काम ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये ब्रिज वाला काम मार्च अप्रैल तक में कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल तक। और ऐसा न्यूज है यार क्या जाना है, और ऐसा कहना है कि अभी मार्च का महीना है और मिड मार्च ऑलमोस्ट पहुंच गया है, तो अप्रैल के लगभग मतलब कब तक हो जाएगा पूरा काम? ये आज खत्म हो जाएगा। ये हो क्या रहा है? ये कटिंग हो रहा है। किस वर्क चल रहे हैं, कुछ मटेरियल्स भी गिरे हुए और वर्कर्स लगे हुए हैं, तो चलिए वो साइड। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक बार फिर से आपका दोस्त ऋषभ आपके साथ। तो फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ बार बख्तियारपुर और मोकामा को जोड़ने वाली फॉरलेन सड़क पर। आप पीछे जो देख सकते हैं ये हमारे बार का पहला फॉरलेन है जो हम लोग को ऑलमोस्ट कहें तो मिल चुका है। बेसिकली मैं आपको बता दूं तो आज इसका पूरा कवर अपडेट मैं आप लोग को देने वाला हूं, और देखेंगे कि कितना काम हो चुका है और ये कितना तैयार हो चुका है। बेसिकली गाड़ियां जो है चलनी शुरू हो गई इस फॉरलेन पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कि बस या कार्स जो भी है वो आ जा रही है। मैं बता दूं कि बाढ़ से मोकामा के बीच में फॉरलेन पूरा कंप्लीट हो चुका है और बाढ़ से मोकामा के बीच में गाड़ियां चल रही हैं। और बख्तियारपुर के तरफ में मैं आपको बता दूं कि केवल आरओबी को जोड़ना लिंक करना बाकी है, कुछ मेटलिंग का वर्क बाकी है, अदरवाइज ये पूरा काम फॉरलेन का हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि कितना काम हो चुका है और देखने में फिलहाल कैसा लग रहा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही है। तो एक बार फिर से करते हैं एक नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सभी का शेयर भी करिएगा। तो एक बार फिर से आपका भाई ऋषभ आपके साथ। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। सामने देखिएगा तो वहाँ पर वो ओवरब्रिज है अपना और नीचे में उसका टू लेन हाईवे है, तो सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। इस आरओबी को उधर अभी गाड़ियाँ जा रही हैं, बट इधर से आप देखोगे कार नीचे चली गई है, इधर से आपको अंदर थोड़ा सा घुसना पड़ेगा फिर आप उस साइड जाओगे, क्योंकि ब्रिज पर भी अभी कुछ वर्क जो है वो फिलहाल चल रहा है। तो चलिए आगे से चीज़ों को कवर करते हैं और देख। तो दोस्तों मैं अभी जिस साइड जा रहा हूँ ये है मोकामा साइड, और ये भी देखिएगा तो पूरी तरीके से कंप्लीट है। और इधर साइड मैं आपको दिखा दूं तो ये वाला साइड है अपना, उधर बख्तियारपुर के साइड जाता है। और यहाँ से आप नीचे की ओर देखोगे साइड में एक रास्ता गया है। अगर आप नीचे की ओर उतरोगे तो आप अपने बार टाउन के अंदर अगर जाना है तो यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। बाकी ये पूरा फॉरलेन कम्प्लीट है। तो चलिए थोड़ा आगे से भी देख लेते हैं। गाइज ये वाला जो साइड है वो मोकामा साइड है, और इधर से आइएगा तो ये देखिएगा तो ये अपना आपको ब्रिज मिल जाएगा जो टू लेन हाईवे के ऊपर से गया हुआ है, कुछ वर्क इसमें फिलहाल बाकी है। और इधर से नीचे की ओर जाने पर आपको अगर बाहर शहर के अंदर घुसना है तो इधर से नीचे जाना पड़ेगा, और इधर साइड जब जाइएगा तो आपको सक्सोहरा वाला रूट मिलेगा जो कि टू लेन हाईवे उधर जाता है, और इधर फिर चल जाइएगा तो अपना जस्ट बगल में बेरना होते हुए बार रेलवे स्टेशन आप पहुंच जाइएगा। और ये वाला जो है ये अपना फॉरलेन है जो कि कहा जा रहा है कि जून से जुलाई के आसपास में जल्द इसका जो है नीतीश कुमार जी उद्घाटन कर देंगे, और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चलिए इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे से भी जाकर के इसके जो नज़ारे हैं वो हम लोग कैच करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग इस ब्रिज के पास खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं, और इधर अगर आप नीचे जाइएगा तो बाहर शहर के अंदर जाइएगा। वैसे के लिए न्यूज़ तो फिलहाल ऐसे ही आ रही है कि जून से जुलाई के आसपास इस ब्रिज का उद्घाटन कर देना है, क्योंकि काम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ जगह पे लिंक्स करने बाकी हैं, जैसे बख्तियारपुर रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज जो है उसको कनेक्ट करना है। मैं आपको ये वाला साइड दिखा दूँ तो इधर जाता है सक्सोहरा साइड, आपको आगे से टू लेन हाईवे मिल जाएगा, मैं वो भी आपको फिलहाल दिखा देता हूँ। और उधर से आप सक्सोहरा चल जाएंगे और बेरना होते हुए अपोजिट साइड में बार रेलवे स्टेशन भी आपको मिल जाएगा, और मेरे पीछे साइड में जो है वो आपको मोकामा साइड है। और आप देखोगे तो गाड़ियाँ फिलहाल आनी जानी बाढ़ टू मोकामा पूरी तरीके से स्टार्ट है, बस यहीं पर है, ब्रिज के नीचे से आपको जाना पड़ेगा और टू लेन हाईवे पकड़ना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ब्रिज के उस साइड जाना है अथमलगोला साइड में तो भी आपको थोड़ा नीचे से होकर के फिलहाल जाना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रिज में कुछ काम जो है फिलहाल अभी मेटलिंग वाला सारा वर्क, अभी लेवलिंग का सारा वर्क जो है अभी बाकी है। तो चलिए अभी चलते हैं टू लेन हाईवे के साइड में। तो दोस्तों मैं फिलहाल आपको जिस साइड लेकर के जा रहा हूँ उधर कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं, कुछ मटेरियल्स भी गिरे हुए हैं और वर्कर्स लगे हुए हैं, तो चलिए वो साइड भी चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों ये वही नीचे वाला रास्ता है जिस पर मैंने कहा था कि आप ब्रिज से नीचे उतरिएगा बाढ़ में, और इधर से फिर आप इधर आगे की ओर अथमलगोला बख्तियारपुर के साइड जा सकते हैं। हालाँकि प्योर बख्तियारपुर तक आप नहीं जा सकते हैं, पूरा आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं,
और आगे से आप कहीं अंदर शहर में लाइक अथमल गोला तक ये पूरा कंप्लीट है। मेनली कहें तो ही बख्तियारपुर के पास ओवरब्रिज जो है रेलवे ओवर ट्रैक मतलब रेलवे ट्रैक के ऊपर का जो आरओबी होता है ना वो कंप्लीट करना। और इधर भी देखिएगा तो उधर देखिए जेसीबी लगे हुए हैं, वर्कर्स लगे हुए हैं और जो काम है वो अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा है क्योंकि जून जुलाई में उद्घाटन कर देना है ऐसा न्यूज़ आया है। चलिए आगे चलते हैं और आगे चल करके भी चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। सो गाइज अभी मैं ब्रिज के ऊपर हूँ और आप ये देख सकते हैं ब्रिज पर पूरा काम चल रहा है। इधर देखिएगा तो जेसीबी भी लगा हुआ है और सारा काम चल रहा है, ट्रक्स सारे लगे हुए हैं, मटेरियल्स सारे गिरे हुए हैं, वर्कर्स लगे हुए हैं। तो मैं सारी चीज़ों को आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आप देखिएगा तो नीचे अभी मैं इस ब्रिज पर चल रहा हूँ, सिर्फ बालू है और सामने देखिएगा तो पूरा जो कंस्ट्रक्शन अपने जोरों शोर से चल रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जून जुलाई में उद्घाटन करना है इसका पूरे तरीके से ताकि ये बख्तियारपुर बाढ़ मोकामा ये तीनों अच्छे तरीके से लिंक हो जाए। और बख्तियारपुर टू पटना वो तो पहले से बना है और रेडी है, वो चल भी रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं सामने इस तरीके से पूरा काम चल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं ब्रिज के ऊपर हूँ, आप देख सकते हैं कि पूरा किस तरीके से काम जो अपने जोरों शोरों से चल रहा है, जो पूरे रफ्तार से ये काम चल रहा है। इधर भी देखिएगा तो पीछे मजदूर सारे वर्कर्स जो वो काम पर लगे हुए हैं तो पूरा तेज गति से काम किया जा रहा है। तो चलिए कुछ बातें करते हैं। तो भैया जी लगभग मतलब कब तक हो जाएगा पूरा काम? ये आज खत्म हो जाएगा। ये हो क्या रहा है? ये कटिंग हो रहा है। किस चीज का मतलब क्या है थोड़ा बताइएगा? ये पिच वाला मशीन था। अच्छा पिच इसी से बनता है। अच्छा कहा अब मतलब ये जो ब्रिज का काम है लगभग कब तक हो जाएगा पूरा? ये हमको नहीं पता, हम लोग तो नया है कल से 2 दिन। अच्छा आप 2 दिन से भी ज्वाइन करो। ये पिचिंग वाला मशीन है सारा? जी इसको पटना में था। अच्छा और ये आजकल तक में हो जाएगा? ओह चलिए तो ये कुछ काम अभी फिलहाल चल रहा है तो मैं आपको चलिए और भी चीज़ों को दिखाता हूँ। ये जो मशीन है भैया ने कहा कि पिचिंग जो किया जाता है तो ही ये मशीन है, वो सारा 1-2 दिन में ये कामों को कर देना है। तो चलिए और चीज़ों को देखते हैं पूरा। आप देखेगा तो पीछे सारा आप देखेगा तो पूरा काम चल रहा है, बालू पूरा मटेरियल गिरा हुआ है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस ब्रिज का भी ये काम है जो ये भी कम्प्लीट करना है और बख्तियारपुर आरओबी को कम्प्लीट करना है। जब ये 2 चीज़ें कम्प्लीट हो जाएंगी तो मोकामा से लेकर के बाढ़ होते हुए पूरा बख्तियारपुर ये सारा लिंक हो जाएगा और सारा चीज़ें जुड़ जाएगा। और आप पटना से लेकर के पूरा मोकामा तक ये 4-लेन हाईवे पूरा कंप्लीट रहेगा और आप पटना से मोकामा तक की दूरी को है ऑलमोस्ट ये मैं अगर बात करूँ तो अराउंड 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है जो कि अप्रॉक्स 1.25 घंटे तक में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं पीछे पूरा काम चल रहा है। तो चलिए इसके थोड़े से विजुअल्स ले लेते हैं और वो चीज़ों को आपको दिखाते हैं। सर आपका नाम क्या हो गया? मिथिलेश कुमार। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मोकामा से बाढ़ तक का तो कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया, वहाँ तो गाड़ियाँ चल दी, मतलब कि ये काम बचा हुआ है। हाँ, तो ये जो ब्रिज वाला काम ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ब्रिज वाला काम मार्च अप्रैल तक में कंप्लीट हो अप्रैल तक। और ऐसा न्यूज है कि जून जुलाई तक ये मोकामा टू बख्तियारपुर पूरा एकदम उद्घाटन कर देना है? हाँ हो जाएगा। ये बात सच है? हाँ बात सच है। तो यहाँ पे तो देख रहे कि पूरा जोर से काम चल ही रहा है तो जल्दी अपने बाढ़ को पहला 4 लेन मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। लेकिन सर फिर भी मैं जानता हूँ कि सर डिले बहुत हुआ है इस प्रोजेक्ट में। डिले हुआ जो पहले से था, कुछ काम में दिक्कत था, वो मिट्टी और फ्लैश के चलते था ना, इसलिए 2016 के बाद लगता स्टार्ट हुआ था ये काम। हाँ। 8 साल हो गए सर। हाँ। तो बहुत ज्यादा डिले हो गया लेकिन अब उम्मीद है कि जल्दी ये चीज पूरी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी है ना। चलिए धन्यवाद सर। सर देखिएगा दोस्तों तो सामने जो है ये पिचिंग का सारा काम अभी इसके बाद होना है, ये रोड बन रहा है सारा, ये 1 लेन ये और 1 लेन इधर से बनेगा। तो इधर देखिएगा तो सारे जो जेसीबीज हैं वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते उसके ऊपर से और उसको थोड़ा देख। तो दोस्तों ये है सामने बख्तियारपुर साइड में, आपको बता दूं कि आप जो ये सारी गाड़ियां देख रहे हैं जो उधर जा रहा है ये बीच वाला सारा ये काम करना है। और इसके थोड़े से आगे मैं आपको बता दूं, आपको सामने ट्रक आता हुआ दिख रहा होगा और उसके पीछे आप अगर गौर करिएगा तो एक कार भी आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इस थोड़े से एरिया के बाद फिर आगे रोड कंप्लीट है, जैसे बाटू मोकामा कंप्लीट है, गाड़ियां चल रही हैं, बस इन चीज़ों को जो है वो जोड़ना बाकी है और उसके बाद ये पूरा जो है मोकामा टू बख्तियारपुर कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिएगा सामने गाड़ी आ रही है तो उधर भी सड़क पूरा कंप्लीट है, उधर से गाड़ी आएगी और इधर नीचे से होते हुए वो आगे उधर चल जाएगी जो मैंने आपको दिखाया था मोकामा साइड। तो ये कुछ बस बीच वाली चीज़ों को जोड़ना है। इधर भी देखिएगा तो सारा मटेरियल से गिरा हुआ है और ये देखिएगा तो ये 1 लेन को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर फिलहाल रोलिंग की जा रही है बराबर करके सरफेस को, उसके बाद यहाँ पर भी सारे मटेरियल्स को भर के पिचिंग करनी है। तो ये चीज़ें जो है अप्रैल तक तैयार हो जाएंगी तो ये एरिया हो जाएगा तैयार और बाकी बख्तियारपुर आरओबी में काम चल ही रहा है, उसके बाद वो सारी चीज़ें जो है कम्प्लीट हो जाएगी।
और आगे मैं थोड़ा सा लेकर के चलूँ तो ये कुछ एरिया को बनाया जा रहा है फिलहाल, और इसके आगे भी जो रोड है वो तैयार है पूरी तरीके से, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। बस ये वाला जहाँ पर मैं फिलहाल खड़ा हूँ ना, इस वाले एरिया में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है क्योंकि वर्क चल रहा है। बाकी सारा मैं कहूँ आपको तो कम्प्लीट है, तो दिल थाम कर बैठिए। जून से जुलाई तक के बीच में आपको बख्तियारपुर बाढ़ मोकामा को लिंक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन 4-लेन हाईवे रेडी हो जाएगी। फिलहाल इस सड़क पर हूँ जो फिलहाल तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बख्तियारपुर साइड है, इधर से अरफल गोला और बख्तियारपुर जाना है, और ये ओवरब्रिज जो हमारा था 2-लेन हाईवे के ऊपर बाढ़ में, उसके ऊपर का ये कुछ नज़ारा है। ये 1 लेन बन रहा है 2 लेन वाला, और इधर साइड अगर मैं आ जाऊँ तो दूसरा वाला लेन इसका इधर बन रहा है जो इधर जाएगा मोकामा के साइड और इधर जाएगा बख्तियारपुर के साइड, तो इसको तैयार किया जाना है। और ऐसा कहना है कि अभी मार्च का महीना है और मिड मार्च ऑलमोस्ट पहुंच गया है, तो अप्रैल के एंड होते होते ये वाला पूरा एरिया जो कवर हो जाएगा और बन जाएगा, और फिर जब आगे बख्तियारपुर आरओबी को लिंक किया जाएगा तो पूरा बख्तियारपुर तो मोकामा ये कम्प्लीट एक हाईवे हो जाएगा, जिसका जून जुलाई का अप्रैक्सिमेट उद्घाटन कर दिया जाना है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। आप देखिएगा तो पीछे भी वर्कर्स लगे हुए मिट्टियाँ गिर रही हैं और इसको लेवल करने का काम किया जा रहा है। लेवल करने के बाद इस पर जो है ये वाले सरफेस पर ये वाले चीज़ों को गिराया जाएगा, जो मटेरियल्स होते हैं जिस पर सड़कें को बनाई जाती है, ये गिराने के बाद इसके ऊपर फिर पिचिंग का सारा काम किया जाएगा और इसको जल्दी से कम्प्लीट किया जाएगा। और इंजीनियर साहब थे वो, जिन्होंने विश्लेषण भी बताया कि पहले जो कंपनी वर्क कर रही थी इस पर थोड़ा सा डिले हो गया था वर्क मटेरियल्स वगैरह में, बट अब इसको जो है काम फुल स्पीड से चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द इसका उद्घाटन हो जाएगा और हम बाढ़वासियों को भी हमारा पहला 4-लेन हाईवे मिल जाएगा। तो ये कुछ था ब्लॉग, होपफुली आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ये अपडेट आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा पसंद आए तो, और शेयर भी करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे अपडेट्स को मैं डालता रहता हूँ। तो मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।